सो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम अविनाश और आज हम बात करेंगे पबजी द मोबाइल के नए अपडेट इरेंगल 2.0 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, पबजी लवर्स काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इरेंगल 2.0 के बारे में, बट 2 सितंबर को गवर्नमेंट की एक इंस्ट्रक्शन के कारण से पबजी को प्ले स्टोर से हटा दिया गया और पबजी लवर्स इसे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊँगा जिससे आप पबजी को अपडेट कर सकते हैं और उसे इन्जॉय कर सकते हैं। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, दो फाइल्स डाउनलोड करने रिक्वायर्ड होगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहां पे मैंने ये लिंक जो है ये कॉपी करके मैं दो फाइल्स डाउनलोड कर रहा हूं। पहला ये पबजी का फाइल है, पबजी का डायरेक्टली वेबसाइट है, आप pubgmobile.com पे जाके भी इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स में यहाँ से भी ये APK फॉर्मेट डाउनलोड करने में हो जाता है। अगर इन द केस आपके फ़ोन में नहीं वर्क करे APK फॉर्मेट में, फिर आपको OBB फॉर्मेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, OBB लिंक, इसे भी आप ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके। और दोनों को आपको डाउनलोड करना रिक्वायर्ड होगा। ओके, सबसे पहले आप इसे ट्राई करेंगे, अगर इसे इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो फिर आपको OBB फाइल भी इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड होगा। सो दोनों को डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों को डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले OBB फाइल zip फॉर्मेट में होता है, इसे आपको अनजिप करना रिक्वायर्ड होगा। ये मैंने ऑलरेडी अनजिप कर लिया है इसलिए मेरे पास एरर शो हो रहा है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अनजिप हो जाएगा, या फिर अगर मोबाइल फ़ोन में नहीं हो रहा है तो आप लैपटॉप पर अनजिप कर लीजिए और वापस से मोबाइल फ़ोन में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद ये अनजिप करने के बाद एक फ़ाइल बन जाएगा आपके अंदर, एक एंड्रॉयड OBB, इसके अंदर ये टेंसेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर बैक जाएंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया हुआ है और पबजी का ये जो APK फॉर्मेट है उसे आपको इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड होगा। ये इंस्टॉल हो चुका है, वहाँ पे इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसके रिसोर्सेज अपडेट होंगे जिसमें थोड़ा समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। मैंने मोबाइल डेटा यूज़ किया है तो मुझे लगभग 30 से 40 मिनट तक का समय लगा। फिर सारे रिसोर्सेज डाउनलोड होने के बाद एक इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद जो गेम का मेन पेज है वो आ जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल गेम को एंजॉय कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।